आइए आज और एक इनफाइनाइट टर्म वाले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ एफ एक्स बराबर इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 100 इनटू एफ डैश ऑफ 100 अपॉन 100। आप ध्यान से देखिए, अगर इस वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो इनफाइनाइट टर्म दिख रहे हैं। तो अगर इस तरह के इनफाइनाइट टर्म दिखें, ठीक है, तो उसमें आप खोजिए कि ऐसा कौन सा टर्म है जो बार 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 रिपीट कर रहा है। तो उसमें से पहले वाले टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी की जगह पर उठा के यही जो फंक्शन के बराबर है उसी को रख के इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, यहां पर तो एक्स प्लस वन अपान 2x plus 1 upon 2x plus 1 upon, यहां से तो दिख रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ x है, यानी कि 2x plus 1 टाइप का टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। अगर यहां पर भी 2x हो जाता तो हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते। तो क्या करिए, दोनों तरफ 2x बना दीजिए। तो आप क्या करिए, यहां x को 2x बना दीजिए, आप दोनों तरफ क्या करिए, x को ऐड कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 2x, ठीक। अब क्या करिए, 2x plus 1 वाला टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस एक 2x plus 1 को छोड़ के बाकी की जगह पर ये जो x plus fx लिखा गया है ना, उसे लाके रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है, तो एक टर्म हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, तो x plus fx equal to 2x plus 1 upon, अब बाकी यही सेम टर्म जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनकी जगह पर यही x plus fx को रख दीजिए, ठीक। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, x plus fx That's equal to, यहां पर आप चाहिए तो इस x को जो है अब हटा सकते हैं, यहां से x हटाएंगे तो ये x बन जाएगा, ठीक। यहां से भी x हटा दीजिए तो यहां पर बन गया, ये हो गया x square, ठीक, x fx plus 1 upon x plus fx। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x fx हो जाएगा प्लस f ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, x square plus x fx plus 1। यहां से ये तो गए, हमारा क्या बचा, f ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या पूछे हैं, f ऑफ 100 इंटू f डैश ऑफ 100, हम क्या करते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2fx और आगे आएगा और f डैश x हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2x, इस 2 से 2 को हटा दीजिए, यहां पर आ गया fx इंटू f डैश ऑफ x इक्वल टू x, ठीक। अब x की जगह पर अगर आप 100 पुट कर दें, ये हो गया f ऑफ 100 इंटू f डैश ऑफ 100, और यहां पर क्या मिल गया 100, ठीक। तो यहां पर रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F 100, F dash of 100 की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 upon 100, इसका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक। थैंक यू।